नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज जो कि आपको CVT 2 में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न मैं कराता हूं क्योंकि यहां पे आपको इजी प्रश्न करा के टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का फुटबॉल टीम अंतिम बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। देखिए, भारत का जो फुटबॉल टीम है उसके जो ओलंपिक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, तो इससे प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो देखिए, हम जो फुटबॉल के हिस्ट्री है इंडिया का ओलंपिक में, उसको हम याद कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे अंतिम बार जो इंडिया पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में फुटबॉल टीम में, वो था रोम में 1960 में। और अगर हम बात करें डेब्यू कब किया था, यानी कि पदार्पण कब किया था, कौन से ओलंपिक में इंडिया प्रथम बार जो फुटबॉल है उसमें पार्टिसिपेट किया था, 48 में। ठीक है, जो फुटबॉल है उसका डेब्यूट कब हुआ था, यानी कि प्रथम बार ओलंपिक में फुटबॉल को कब शामिल किया गया था, तो 1900 में ये किया गया था। 1896 में प्रथम ओलंपिक हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक की बात की जा रही है। और जो सेकंड ओलंपिक हुआ 1900 में, तो वहीं पे फ्रांस में जो हुआ था उसी में पहली बार फुटबॉल को शामिल किया गया था। लेकिन इंडिया, अगर फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम की बात करें, तो वो शामिल हुआ था ओलंपिक में 1948 में, यानी कि आज़ादी के बाद। और अगर हम बात करें कि इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा रहा, तो जो 56 का ओलंपिक रहा, ठीक है, यानी कि एक ओलंपिक पहले जब छोड़ दिया ओलंपिक, उससे एक ओलंपिक पहले तक इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि सेमीफाइनल में यानी कि लास्ट फोर में आना, जो कि अभी वजूद ही नहीं है जिस फुटबॉल का इंडिया में, उसमें ये फोर्थ पोजीशन पे आया था 1956 में। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद हो गई। अब याद तो हो ही होगी, कल भुला जाएंगे, लेकिन अब आपको मैं याद करवा देता हूँ ट्रिक के थ्रू। देखिएगा, फुटबॉल बाहर खेलने जाते हैं, आज़ादी आपको नहीं देते हैं मम्मी पापा, ठीक है, तो यानी कि आज़ादी जैसे ही मिली आपको फुटबॉल खेलने का मौका मिल गया ओलंपिक में। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि 47 में तो ओलंपिक होगा नहीं, क्योंकि जितने भी ईयर होंगे ओलंपिक का वो इवेंट नंबर में होंगे। जैसे अभी 2020 में चल रहा है, ठीक है, 2020 वाला ही 21 में हुआ, लेकिन उसका नाम 2020 ओलंपिक ही है। तो जितना भी ओलंपिक हुआ है वो इवेंट नंबर में है, तो यानी कि आज़ादी के बाद जो इवेंट नंबर है 48, ठीक है, इसमें डेब्यूट किया। अब 48 में डेब्यूट किया, तो यानी कि 52 में आप कह सकते क्वार्टर फाइनल में गया होगा, इस तरीके से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक स्टेप और, 56 में ये सेमीफाइनल में चला गया, इस तरह से याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सेमीफाइनल में गया है 56 में। उसके बाद गया होगा जो 56 है, उसके बाद 60, 4 साल के बाद ही तो हो रहा है, तो 60 में फाइनल में गया होगा। ठीक है, फाइनल में नहीं गया इसमें 60 में, तो वो 60 में ही छोड़ दिया इंडिया ने खेलना, ठीक है, क्योंकि फाइनल में नहीं पहुंच पाया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फाइनल में इसको 0 मिला तो रोने लगे, ठीक है, रोने लगे, तो रोम में ये फाइनल मतलब कि लास्ट बार खेला, फाइनली खेला लास्ट में, कब, 60 में। इस तरीके से आप इसको एक सिक्वेंस बना के याद कर सकते हैं। 48 के बाद कुछ नहीं हुआ 52 में, मान के चल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में गया, फिर 56 में सेमीफाइनल में, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद 60 में कुछ नहीं हुआ, यानी कि फाइनल में गया होगा, हार गया होगा, तो यानी कि ये लास्ट बार खेल रहा है फाइनल तक। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, फाइनली इंडिया ने खेलना ही छोड़ दिया। ठीक है, खेलना नहीं छोड़ा, मतलब कि एक होता ना कि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब कि अब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है, यानी कि ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे कहा जा सॉरी कब शुरुआत हुई थी। यहाँ इसको रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, और हाल ही में ये आपको रवीश कुमार को मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये जो रमन मैग्सेसे है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1958 में, याद कैसे करेंगे, देखिएगा, रमन, RAMAN, ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे। देखिए, एक थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, तो ये 8 जैसा सेंस दे रहा है, ये भी 8 बन रहा है, देखिए 8, ये भी 8 बन रहा है, ये भी उल्टा 8 बन रहा है, ठीक है, ये भी 8 बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि लगभग जितने भी इसमें लेटर हैं सभी में 8 बन रहे, तो रमन 8 में लास्ट में होगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर रखेंगे। मर्दानी मार्शल आर्ट कहाँ की है,
जो मार्शल आर्ट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट की शैली है, गटका जैसे आपके पंजाब का, बहुत बार ये सब पूछा गया है। तो मर्दानी कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र जैसे ही दिमाग में आता है मुंबई का नाम आता है, तो वहाँ पे आप फिल्मों में देखेंगे कि मर्दानगी दिखाई जाती है, यानी कि एक हीरो कितने लोगों को मारता है, तो मर्दानगी कहाँ पे दिखाया जाता है, मुंबई के फिल्मों में, ठीक है। तो यानी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की ये मर्दानी मार्शल आर्ट है। एक और मार्शल आर्ट है बर्मा कलाई, और यहाँ का एक और मार्शल आर्ट है सिलम्बम, ठीक है। सिलम्बम, ये दोनों जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ की है, तमिलनाडु की। याद कैसे करेंगे, देखिएगा अगर आपकी कोई स्पेशल संबंध हो, गर्लफ्रेंड हो, तो मिलेंगे तभी कलाई पकड़ेंगे, या आप दोस्तों के साथ कहते हैं ना कि यार आज कलाई पकड़ लेनी है, ठीक है। तो जब मिलेंगे तभी, तो यानी कि तमिल, तभी कलाई पकड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बॉटल वगैरह खुलेगा, सील वगैरह खुलेगा, यानी कि बॉटल यानी कि थम्सअप वगैरह का सील खुलेगा। आप उस मतलब कि नज़र से ना देखें कि कौन सा सील की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब मिलेंगे तो थम्सअप का सील टूटेगा, यानी या बियर का सील टूटेगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मिलेंगे तभी तो सील टूटता है, या दोस्तों से मिलते हैं तब सील टूटता है बियर वगैरह का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे सिलम्बम, यानी कि सील को बम होगा, यानी कि टूटेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं तमिलनाडु को। रूब अल खाली मरुस्थल, यानी कि रूब अल खाली डिजर्ट जो है वो कहाँ पे, देखिए ये जो आपके डिजर्ट है वो तीन देशों में फैला हुआ है। मैं आपको एक इसके पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा विकिपीडिया में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सऊदी अरबिया है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है सऊदी अरबिया है, उसके सॉरी यहाँ तक ये सऊदी अरबिया है, उसके बाद यहाँ छोटा सा यूएई है, और यहाँ पे यमन है, और ये गल्फ़ ऑफ एडन यहाँ पे, या गल्फ ऑफ यमन भी जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे ओमान है। तो ये जो रूब अल खाली डिजर्ट है ये पूरा इस क्षेत्र में है, ज़्यादातर पार्ट इसके सऊदी अरबिया में है, लेकिन इसके पार्ट यमन में भी है, ओमान में भी है, और थोड़ा सा यूएई में भी है। तो मेजरली आपको सऊदी अरबिया ही पूछा जाएगा कि अगर ऑप्शन दिए रहेंगे तो सभी में हो जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे ऑप्शन जो दिए थे ये एसएससी के सीएचएसएल में पेपर में आया था कि जो रूब अल खाली मरुस्थल है वो कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में। याद कैसे करेंगे, देखिएगा खाली करने की बात की जा रही है, खाली यानी कि जितने भी इंडियन या फिलीपींस जितने भी लेबर क्लास के या ए ग्रेड के भी जो लोग हैं वो जाते हैं ज़्यादातर अरब कंट्री में, तो ये आपको यूएई में दिखेंगे या आपको सऊदी अरबिया में दिखेंगे। और एक समय ऐसा भी आया था कि इन लोगों को खाली करवाया जा रहा था, हालांकि खाली नहीं किया करवाया जा सकता क्योंकि सस्ते लेबर यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि खाली कराने की जब भी बात आएगी तो अरब से ही खाली कराने की बात आएगी, क्योंकि इराक में तो कोई जाता नहीं इंडियन, ना ही आपको यहाँ ईरान में मिल जाएगा, या मतलब जाते हैं वैसे नहीं जाते हैं जितना कि इन कंट्री में जाते हैं, अरब कंट्री में, जो कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, जो कि यूएई सेवन एमिरेट्स से मिलकर बना, या आप कह सकते हैं सेवन जो स्टेट है वहाँ दुबई हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे अबू धाबी हो गया, तो ऐसे सेवन एमिरेट्स से मिलकर बना है यूएई, तो वहीं जाते हैं। तो ज़्यादातर पार्ट कहाँ जो ज़्यादा मेजर कंट्री है वो सऊदी अरब है, क्योंकि इसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा है, तो डिजर्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर है, ठीक है। यानी कि इस रूब अल खाली का जो डिजर्ट है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो खाली से संदर्भ में आ गया कि खाली किसको कराएंगे, इंडियन को कराएंगे, कौन से, ये अरब वाला ही, तो यानी कि ये जो खाली वाला मरुस्थल है वो अरब में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस पे तीन चार तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है, आपके श्रीनगर में, जो डल लेक है वहीं पे, जो डल लेक है वहाँ पे आपको एक तैरता हुआ डाकघर। अब देखिए श्रीनगर या जम्मू कश्मीर ये सब जगह जो जगह है, पहले आप देखेंगे बॉर्डर जैसी मूवी वगैरह में तो खत पहुँचाया जाता था, ठीक है, खत पहुँचाया, क्योंकि वहाँ पे सेना रहते हैं, तो खत के द्वारा ही यानी कि डाक के द्वारा ही अपना संदेश पहुंचाते हैं। तो ये जो डाक वाला सिस्टम है वो कहाँ पे होगा, जो झील श्रीनगर का वहाँ होगा। अब एक पूछा जाता है कि जो तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, तो ये आपको पता है कि काबुल लाम जाओ ये मणिपुर में है, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है कि जो तैरता हुआ ATM इंडिया में सर्वप्रथम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, तैरता हुआ ATM की बात कर रहे हैं, तो ATM पैसे वाला, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ही ATM की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे हैं, केरल में, तो यानी कि केरल में सबसे पहला तैरता हुआ ATM खोला गया था, ठीक है, कोची में, और ये कौन सा ATM था, SBI का ATM था। तो इस तरीके से आपसे डाकघर पूछा जाएगा,
नेशनल पार्क पूछा जाएगा तैरता हुआ, और तैरता हुआ एटीएम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इंडिया का अगर हम पिक्चर बनाएं तो इंडिया का पिक्चर बनाएं तो यहाँ पे आपको डाकघर मिल जाएगा, यहाँ पे एटीएम तैरता हुआ, और यहाँ पे मणिपुर में आपको नेशनल पार्क मिल जाएंगे, ठीक है। और भी कुछ तैरता हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये सब पहला है, बाद में कहीं भी हो सकता है, ये सब पहला मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपके देखिए, ये एशिया की बात करें तो बैकाल जो सर्बिया में है, सर्बिया यानी कि बोले तो रसिया का पार्ट है, ठीक है, दक्षिण रूस का पार्ट है। तो ये चूंकि रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो जो ये वाला बैकाल झील का पार्ट है वो एशिया में आता है, ठीक है। तो बैकाल झील जो कि सबसे बड़े ताजे पानी का झील है एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, और मिशिगन ह्यूरन जो झील है, अगर दोनों को एक ही मान लेते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील होगा, ठीक है। ये झील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए, रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, नवीकरणीय जिसको हिंदी में कहते हैं। एक वर्ड होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है मरसाल सिटी आबू धाबी में, यूएई में, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अब याद कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले आपको इसको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, या इसके विकिपीडिया पे आके मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा एक मिनट, ये थोड़ा सा देखिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि देखिए, ये जो आबू धाबी है, ये देखिएगा इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, और ये फंक्शन करने लगा था 2010 में, और इसका जो ये इंटरनेशनल संगठन है, और ये इसका हेडक्वार्टर मसडार सिटी यूएई, और अगर हम बात करें कि लोकेशन तो आबू धाबी। देखिए आबू धाबी एक शहर है, और मसडार सिटी क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी मसडार के द्वारा बनाया गया कुछ बिल्डिंगें, या आप कह सकते हैं एक एरिया है, उसी को कहते हैं मसडार सिटी, ठीक है। तो मसडार सिटी आबू धाबी का ही पार्ट है, आबू धाबी जो कि एक शहर है उसी का पार्ट है ये आपका मसडार सिटी। तो याद कैसे करेंगे, देखिए रिन्यूअल यानी कि लोग तेल के पीछे आपाधापी भाग रहे हैं, ठीक है, आपाधापी भाग रहे हैं, तो आपाधापी भाग रहे हैं तो रिन्यूअल के तो अब क्या है कि उनको पता हो गया कि खत्म हो जाएगा, तो अब आपाधापी नहीं होके आबाधाबी में, इस तरीके से आबाधाबी में मतलब कि डर रहे हैं कि मसडार इस तरह से याद रखें कि डर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी तो अगर नहीं हम यूज किए तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोयला पेट्रोलियम ये सब तो खत्म हो जाएगा, तो ये डर रहे हैं, इसीलिए मसडार सिटी में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का एक हेडक्वार्टर ही बना दिया, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स खत्म हो रहे हैं इसलिए ये डर रहे हैं, मसडर यानी कि डर रहे हैं, तो इन्होंने मसडर में ही एक आबू धाबी का जो पार्ट है वहीं पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का हेडक्वार्टर बना दिया। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए वो आपको याद हो गएंगे विथ ट्रिक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।